जी, तो दोस्तों टेन कमांडमेंट्स ऑफ जापानीज, द टेन कमांडमेंट्स इन जापानीज के लेक्चर पे हम चल रहे हैं। अभी हमने इससे पहले स्वारू पैटर्न कवर किया था, अब हम ताबेरू पैटर्न कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर बता दूँ मैं जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा कि रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब जो हैं उनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हमने रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब को दो तरह से क्लासीफाई किया है, एक जो है ताबेरू पैटर्न कहलाता है, एक स्वारू पैटर्न कहलाता है। स्वारू का मतलब होता है बैठना, ताबेरू का मतलब होता है टू ईट, खाना। तो उसमें क्या फ़र्क है फिर मैं कहूँगा, लेक्चर नंबर 45 देख लीजिए आप, JLPT एंड फाइव ग्रामर के जो मेरे लेक्चर हैं 112, 113, उनमें से आप लेक्चर नंबर 45 देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ताबेरू पैटर्न एंड स्वारू पैटर्न। चलिए आज हम चलते हैं ताबेरू पैटर्न की 10 लाइनें कैसे बनती हैं। ठीक है, ताबेरू पैटर्न की 10 लाइनें कैसे बनती हैं? ठीक है, बड़े वैसे बनती हैं। ठीक है, मदन मुनीर ने किताब लिखी थी कि घोड़ा कैसे भागता है, 800 पेजेस पे किताब लिखी थी घोड़ा कैसे भागता है। तो उसने पहले पेज पे लिखा घोड़ा ऐसे भागता है और बाकी के 799 पेज पे लिखा होता टका टक टका। ठीक है, तो घोड़ा ऐसे भागता है, ताबेरू की कैसे 10 लाइनें बनती है, घोड़े कैसे बनती है। देखिए हमने क्या कहा था, स्वारू पैटर्न की के फॉर्म कैसे बनती है, रू हटा के छोटा तुसुकते, यानी जो ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब हैं वो जिस तरह ते फॉर्म बनती है, या तुसु पे ख़त्म होने वाले जो वर्ब हैं उनकी ते फॉर्म जिस तरह बनती है, उसी तरह स्वारू पैटर्न के ते फॉर्म बनती है। लेकिन ताबेरू पैटर्न की ते फॉर्म जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊँ, चार लाइनें आपको बनाना आनी चाहिए, तो आप हर तरह का वर्ब की कोई सी भी फॉर्म बना सकते हैं। नंबर वन क्या है, मस्ट फॉर्म कैसे बनती है। नंबर टू, नाई फॉर्म कैसे बनती है, नेगेटिव फॉर्म कैसे बनती है। नंबर थ्री, ते फॉर्म यानी इम्पेरेटिव फॉर्म कैसे बनती है। और नंबर फोर क्या है, ता फॉर्म कैसे बनती है। ठीक है, ता फॉर्म भी आप लोगों को सबको आता है कि अगर ते पे ख़त्म हो रहा है वर्ब तो ता लगा देना है, दे पे ख़त्म हो रहा है तो दा लगा देना है, बस इतनी बात। और अगर गू मू और नू पे ख़त्म हो रहा है तो दे है तो दा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ताबेरू की हम पहली लाइन बनाते हैं, खाता हूँ या खाऊंगा, ताबेरू। अभी तक हमने पढ़ा था जितने भी वर्ब होते हैं उनके मस्ट फॉर्म बनाने का तरीका है, आखिर का जो अल्फ़ाबेट है उसको हम रिप्लेस करते हैं, थर्ड कॉलम से लेकर सेकंड कॉलम पे चेंज कर देते हैं और आगे मस्ट लगा देते हैं। लेकिन ताबेरू की मस्ट फॉर्म ऐसे नहीं, ताबेरू की मस्ट फॉर्म बनती है रू ड्रॉप करके उसकी जगह मस्ट लगा। ठीक है, आई ईट या आई विल ईट या शैल ईट हो जाता है। ठीक है, आई ईट मैं खाता हूँ या मैं खाऊँ, आई विल ईट। लाइन नंबर टू क्या हो जाएगी जनाब, नहीं खाता नहीं खाऊंगा। इसका भी जो पैटर्न है हमने बाकी सब वर्ड्स का कैसे बताया है कि रू से रा कर दिया, ऊ से वा कर दिया, ऊ से का कर दिया, लेकिन इसका पैटर्न डिफरेंट है, नेगेटिव बना लेगा, इसमें सिंपली रू हटा के ना ही लगा देगा, ताबे नहीं। ठीक है, आई वॉन्ट ईट या आई डोंट ईट। और इसकी क्या आराम जो आपको पता है, मस्ट की नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी, मासेन बन जाएगी। अच्छा जी, लाइन नंबर थ्री क्या है, इंपेरेटिव फॉर्म है, यानी किसी को आप हुक्म करें या किसी की दरख्वास्त करें तो उसको कहते हैं, उसको वर्किंग पे फॉर्म कहते हैं। कैसे बनेगी इसमें, हम क्या कहते हैं, अभी तक हमने क्या किया था कि ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब में छोटा तुसु लगा के ते लगा देते हैं, कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनती है, कू हटा के ईते लगा देते हैं, सू पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनती है, सू से शीते कर देते हैं, और भू मू और नू की ते फॉर्म कैसे बनती है, ये आखिर के भू मू और नू हटा के उंदे कर देते हैं, और स्वारू में रू हटा के छोटा तुसु और ते कर देते हैं। इसमें क्या होगा, ताबे रू ड्रॉप करके ते कर देते हैं, ताबे ते खाओ। ठीक है, और खाइए ताबे ते उदासाई। ठीक है, मत खाओ। अब बाकी लाइन आपको बनाती है, लाइन नंबर फोर का फॉर्मूला है, लाइन नंबर टू प्लस दे ताबे नाई दे, लाइन नंबर फाइव क्या है, लाइन नंबर थ्री प्लस इरू ताबे ते इरू
लाइन नंबर सिक्स है, लाइन नंबर थ्री प्लस इनाई ताबीते इनाई। लाइन नंबर सेवन का फार्मूला क्या है, ते हटा के ता लगा देते हैं, ताबेता खा लिया, खा चुका, खाया था, ठीक है। लाइन नंबर एट का फार्मूला है, लाइन नंबर टू में से ई हटा के कत्ता लगा देते हैं, ताबे ना सकता। लाइन नंबर नाइन क्या है, खा रहा था। लाइन नंबर थ्री प्लस ईता ताबे थे ईता। और लाइन नंबर टेन है, नहीं खा रहा था, ताबे थे ई ना सकता, ठीक है जी। अब इसकी मस्वा और आंसर बना लेंगे आप, ताबे नाई दे खुदा साई। खा रहा हूं ताबे ते फिरू, नहीं खा रहा ताबे ते ई मा, ओ ताबे ते मस वा नहीं, ताबे ते ई मस, खा रहा हूं ताबे ते ई मास है। उन्होंने तो कस के मुझे सलाम अलैकुम कहा कि मैं भूल गया हूं क्या पता। ताबे ता खा लिया, खा चुका, खाया था, क्या हो गया ताबे मस्ता। यहाँ क्या हो जाएगा, ताबे मासेन देशिका। नंबर नाइन खा रहा था ताबे ते ई मस्ता, नहीं खा रहा था ताबे ते ई मासेन देशिका, ठीक है। ये 10 लाइनें आपने ताबेरू पैटर्न के वर्ड्स की भी कर ली, तो ये समझ लीजिए कि आपने ये 10 लाइनें कर ली। इसका मतलब है आपने ग्रामर की जेएलपीटी एंड 5 ग्रामर की 60% आपने कर ली, और जब आप 10 लाइनें और कर लेंगे तो आपने जेएलपीटी एंड 5 की 80% ग्रामर मुकम्मल कर ली। ये टेंसेज हैं बेसिकली, ये टेंसेज की हमने 10 लाइनें की हैं और 10 लाइनें हम और करेंगे तो आपका पूरा मसाला जो है ग्रामर का, टेंसेस का बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो।